नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा जून में संभव। बिहार के 48 व्यंजन और फूड को मिलेगा GI टैग। शेखपुरा में तालाब की खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। छात्र जदयू ने जिलाध्यक्षों की सूची की जारी। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष ने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BPSC शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा जून में संभव। BPSC शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा जून में संभव है। इसे लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा संभव नहीं है, इस कारण इसे देखते हुए चुनाव के बाद परीक्षा को कराने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि 5 जून के बाद BPSC शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा हो सकती है, इसे लेकर तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि प्रश्न पत्र लीक हो जाने की वजह से 20 मार्च को परीक्षा रद्द कर दिया गया था। और इधर चल रही मीडिया खबरों के अनुसार शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में ली जा सकती है। बिहार के 48 व्यंजन और फूड को मिलेगा GI टैग। बिहार के 48 व्यंजन और फूड को GI टैग मिलने वाला है। दरअसल इसे लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सब एग्रीस सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये समीक्षा बैठक किसानों के द्वारा महत्वपूर्ण फसल और व्यंजन को GI टैग दिलाने को लेकर हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अलग अलग जिलों के 48 व्यंजन और फूड को GI टैग दिलाने की मंजूरी दी गई और इसके साथ ही अन्य चीजों पर भी मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि इन 48 व्यंजन और फूड में मुकामा का मखाना, मशरूम पाका व मुंगेर का पाटम अरहर, भागलपुर का तितवा मसूर, पटना का दीघा मालदा आम, रोहतास के गुलशन टमाटर, गोपालगंज के थावे का पिड़ुकिया, सुपौल के पिपड़ा का खाजा आदि शामिल है। शेखपुरा में तालाब की खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति। बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा के जयरामपुर थाना क्षेत्र के तोईगढ़ गांव में तालाब की खुदाई के दौरान चमकीले पुराने पत्थर की बनी हुई भगवान विष्णु की प्राचीन मिली है। और उसके बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। काले पत्थर की प्राचीन मूर्ति को देखकर गांव के लोग काफी खुश हो गए। साथ ही उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मूर्ति की साफ सफाई की और उसके बाद उसे तालाब के तटबंध पर बने हनुमान मंदिर में स्थापित कर दिया। इधर जयरामपुर थाने को सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा गया और औरंगाबाद में करेंगे चुनावी सभा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। ये नवादा गया और औरंगाबाद में चुनावी सभाएं करेंगे। CM 12 अप्रैल को नवादा में चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। यहां दोपहर के 12:30 बजे वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 13 अप्रैल को गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। वहीं 13 अप्रैल को ही CM नीतीश कुमार औरंगाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। इधर 16 अप्रैल को पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और NDA के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए वोट अपील करेंगे। बिहार में गैस के टैंकर से शराब की तस्करी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में शराब तस्करी पर निगरानी को और अधिक बढ़ाने का आदेश दिया गया है। विशेषकर झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल के बॉर्डर के चेक पोस्ट पर सख्ती को और बढ़ाने का आदेश है। वहीं हाल ही में गैस टैंकरों से शराब की तस्करी होने की सूचना सामने आई और इसके बाद मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने गैस टैंकरों में डिजिटल लॉक को लगाने का आदेश दे दिया है। मालूम हो कि बीते दिन पटना के पालीगंज में जांच के दौरान गैस के टैंकर से 798 पेटी शराब की बरामदगी हुई और उसके बाद इनमें डीजी लॉक लगाने का आदेश है। नवादा से NDA प्रत्याशी विवेक ठाकुर का बयान, विकसित नवादा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। नवादा से सांसद और NDA के लोकसभा प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इसे लेकर नीति तैयार की है। इसमें केंद्र की भी फंडिंग होगी। फिलहाल नवादा केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विषय भी है। विकसित नवादा का संकल्प पत्र 16 या 17 अप्रैल को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के दौरान नवादा में मतदान होगा। इसे लेकर विवेक ठाकुर ने कहा है कि देश सुरक्षित रहे, इसके लिए कोई गलती नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश की प्रगति के लिए बरकरार रहे। अनुश्रवण कोषांग की टीम स्कूलों में पढ़ाई की करेगा निगरानी।
पटना में अनुश्रवण कोषांग की टीम स्कूलों में पढ़ाई की निगरानी करेगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने अनुश्रवण कोषांग का गठन किया। दरअसल स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सभी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्र छात्राएं और शिक्षकों के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने कोषांग बनाकर 12 पदाधिकारियों की टीम का गठन किया और इस टीम के द्वारा सभी स्कूलों में जाकर पढ़ाई पर नजर रखी जाएगी। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इससे संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कक्षाएं कैसे संचालित की जा रही है और शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, इसे लेकर निगरानी की जा रही है। कक्षा के शुरुआत से लेकर छुट्टी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार आने वाले राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने के मकसद को लेकर 15 अप्रैल को नवादा में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। यहाँ वो भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर विवेक ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मालूम हो कि नवादा में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था। पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इसमें नवादा के साथ ही जमुई, औरंगाबाद, गया में भी मतदान होगा। चुनाव को लेकर एनडीए ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ बिहार आ रहे हैं। छात्र जदयू ने जिला अध्यक्षों की सूची की जारी। बिहार प्रदेश छात्र जदयू ने 30 जिला अध्यक्षों की सूची को जारी कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मोहन और महासचिव रंजीत कुमार ने संयुक्त रूप से इसकी सूची को जारी किया है। जनता दल यूनाइटेड ने पूर्वी चंपारण से प्रिंस यादव, सीतामढ़ी से विकास कुमार, दरभंगा से पुरुषोत्तम चौधरी और पूर्णिया से अंकित झा को जिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं पूर्णिया नगर में श्रवण कुमार को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इधर बेगूसराय नगर से अंकित वर्मा, भागलपुर में वसीम अक्रम, शेखपुरा में ओमकार कुमार आदि को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी की 19 अप्रैल को किशनगंज में रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अप्रैल को किशनगंज में रैली करेंगे। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन नवप्रकाश ने राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा को लेकर जानकारी दी है। पुणे में फिलहाल राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी पार्टी की ओर से साझा नहीं की गई है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजद की ओर से यह आग्रह किया गया है कि राहुल गांधी पूर्णिया में रैली करें और राजद के प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में लोगों से वोट अपील करें। हालांकि राहुल गांधी के पूर्णिया दौरे से संबंधित जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पटना हाई कोर्ट ने फोर लेन निर्माण के मामले में अधिवक्ताओं की टीम भेज कराई जांच। पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर छपरा फोर लेन के निर्माण के कार्य में देरी होने के मामले में अधिवक्ताओं की टीम भेज मामले की जांच कराई है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसके बाद सरकारी वकील अजय, NHAI के वकील मौर्य विजय चंद्र, निर्माण कंपनी के वकील सिद्धार्थ प्रसाद और NHAI के अधिकारी को कोर्ट से ही जांच के लिए भेजा गया। साथ ही दोपहर के बाद पूरे मामले से अवगत कराने का आदेश दिया गया। टीम ने काम का जायजा लिया और बताया कि काम का पूरा होने में 2 सप्ताह का समय लगेगा। दूसरी ओर अनजान पीर चौक के पास निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। दरअसल सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पीके शाही और केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पुल निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा है और इसे पूरा होने में करीबन 1 साल लग जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। इस मामले में अब 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। पवन सिंह ने फेसबुक से दीवाना मोदी का कवर फोटो बदला। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने फेसबुक से दीवाना मोदी का कवर फोटो को बदल दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मोदी के समर्थन वाली तस्वीर को हटा दिया है। मालूम हो कि एक्टर को भाजपा ने आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था और इसके बाद इन्होंने इस टिकट को वापस लौटा दिया था। पवन सिंह ने भाजपा की सदस्यता भी ली है। हालांकि अब उन्होंने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर एनडीए ने इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया। ये चर्चा तेज हो चुकी है कि पवन सिंह काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब एक्टर ने सोशल मीडिया अकाउंट से नरेंद्र मोदी के समर्थन वाली तस्वीर को हटा दिया है। पटना यूनिवर्सिटी में अंकों के आधार पर ग्रेजुएशन में होगा दाखिला। पटना यूनिवर्सिटी में अंकों के आधार पर ग्रेजुएशन में नामांकन होगा। कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि पटना के विश्वविद्यालय में इंटर के कट ऑफ के आधार पर ही दाखिला होगा। वहीं राजभवन ने इसे लेकर सहमति दे दी है। इसके लिए जल्द ही ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। जून तक दाखिले की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद जुलाई से कक्षा की शुरुआत होगी। बताया जाता है कि पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार ही हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। मीसा भारती के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भड़के। पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा
और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर नरेंद्र मोदी को जेल जाना होगा। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद मालूम हो जाएगा कि कौन जेल जाएगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। मीसा भारती के बयान से यह साफ हो गया है कि ये डरे हुए लोगों की आवाज है। विजय सिन्हा ने कहा है कि उन्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए, हमारी चिंता वो नहीं करें। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष ने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कही ये बात। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली ने फिटनेस ब्लूप्रिंट को तैयार किया और इसके साथ ही उन्होंने एक बेंचमार्क को सेट कर दिया है। इसका पूरी तरीके से भारतीय क्रिकेट पर प्रभाव पड़ रहा है। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि आईपीएल प्रतिभाओं को पहचानने के लिए एक बड़ा मंच बन चुका है। युवाओं को विराट कोहली और एमएस धोनी से सीखना चाहिए। अजीत अगरकर के अनुसार विराट कोहली ने इस पीढ़ी के लिए एक मानक को स्थापित कर दिया है। वहीं एमएस धोनी को लेकर इन्होंने कहा है कि धोनी को हम सभी एक महान कप्तान कहते हैं और इसका कारण है कि उनमें खेल की समझ थी। आपके अनुसार आईपीएल 2024 में सबसे फिट खिलाड़ी कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। और जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद राजा, मोहम्मद शकीर हुसैन, राजकिशोर महतो, सुजीत कुमार गोप, रविकांत पाटिल, नंद कुमार सिंह, बाबूलाल मरांटी, नुनुगुल कुमार, राकेश मिश्रा, गुनर शर्मा, सदुल्ला पालवी, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, राजेश मांझी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राहुल गांधी की किशनगंज में रैली से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।